अस्सलामुअलैकुम। रोहित शर्मा के फैंस के लिए बुरी खबर है, और वो खबर ये है कि बम्बई इंडियंस ने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर जो है हार्दिक पांड्या को कप्तान मुकर्रर कर दिया है। अभी कल तक ये खबर जो है सर्कुलेट कर रही थी, जब तक बम्बई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटन्स से 15 करोड़ रुपए में खरीदा था, तब से ये खबर जो है गर्दिश में थी कि वो अपने कप्तान को तब्दील कर देंगे और रोहित शर्मा को जो है वो जो है रिप्लेस कर दिया जाएगा हार्दिक पांड्या से। और इसको उस वक्त जो है वो रूमर्स कह रहे थे कि ये अफवाह है, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, मगर अब ये कंफर्म हो गया, इसकी बम्बई इंडियन की तरफ से तस्दीक भी आ गई है और बीबीसी ने भी इस पर अपना जो है फीचर कर दिया, प्रोग्राम लिख कर दिया, एक कॉलम लिख दिया। तो ये जो है वो बहुत बड़ी और बुरी खबर है इंडियन फैंस के लिए, रोहित शर्मा के फैंस के लिए। रोहित शर्मा आईपीएल के जो हैं वो बम्बई इंडियंस के लिए सबसे ज़्यादा टाइटल जीतने वाले और कामयाब कप्तान हैं। उन्होंने अब तक लगातार नहीं बल्कि उनने 5 टाइटल्स जो हैं वो बम्बई इंडियंस को जीत के दिए हैं, 2013 में, 2017 में, 2019 में और 2015 में और 2020 में। 5 टाइटल जो हैं वो अभी तक उन्होंने बम्बई इंडियंस को जीत के दिए हैं। तो उनके साथ ये एक तरह से ज्यादती अभी लग रही है, मगर साथ में अच्छी खबर ये है कि हिंदुस्तान टाइम ने इस खबर को जो है वो लिखा है, छापा है कि बीसीसीआई के प्लान में 2024 का जो वर्ल्ड कप है उसके कप्तान में पहली चॉइस जो है वो रोहित शर्मा ही रहेंगे। हार्दिक पांड्या जो है वो भी बहुत कप्तानी के लिए जाने जाते हैं, वो इंडिया के भी कप्तान T20 में रहे हैं और वनडे की भी एक सीरीज में गालबन कप्तान वो रहे हैं, कप्तानी कर चुके हैं, तो कप्तानी का तजर्बा तो बहरहाल उन्हें है। उन्होंने आईपीएल में जो है कप्तानी की गुजरात के लिए, और गुजरात को टाइटल भी 2022 में जितवाया है। अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं अपनी नई टीम के लिए। टीम तो खैर वो उनकी पुरानी है, लेकिन वो कप्तान जो हैं इसके मुकर्रर हुए हैं, इसलिए वो उनके लिए बतौर नई टीम ही है। और दूसरी तरफ जो ग्लोबल हेड है परफॉर्मेंस के बम्बे इंडियंस के, श्रीलंकन क्रिकेटर मैला जयवर्धना, उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा कि ये रूटीन की तब्दीली है। इससे पहले रिकी पॉन्टिंग, हरभजन सिंह और सचिन तेंदुलकर भी इस टीम का हिस्सा रहे हैं। तो इस टीम की पॉलिसी ये है कि बेहतर से बेहतर क्यादत जो है वो आती रहे, और हमें कोई रोहित शर्मा से वो SH मसला नहीं है, लेकिन ये एक तरह के नज़रिए की तब्दीली है। हम रोहित शर्मा को हटाकर जो है वो हार्दिक पांड्या को लाना चाहते हैं, ताकि क्यादत इसी तरह अमल में जो है तब्दील होती रहे, रोटेट होती रहे और टीम की कारकर्दगी जो है वो मज़ीद निखर के सामने आए। और उन्होंने जो है वो गुड विशेज़ रखी हैं उनके लिए, हार्दिक पांड्या के लिए भी और रोहित शर्मा के लिए भी। अब तक इतना ही, देखते हैं आगे क्या होता है।